नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह, अभी हमारे साथ हैं धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी। कि आपके सामने आपके लोकसभा क्षेत्र में क्या अभी चुनौतियां हैं? किससे? आज़ाद सिपाही से? नहीं, किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं यार, हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है, और ये अभी चुनाव है इसलिए हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग 12 महीना 30 काल कहावत है, 24 घंटा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनौती को स्वीकार करते हुए काम करती है। अभी धनबाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो कौन सा प्रायोरिटी रहेगा आपके सामने कि किन किन प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम लोग को तो जानकारी होना चाहिए। धनबाद में देखिए अपराध भी है, बहुत चीज़ें हैं। को अगर आप जीतते हैं तो आपके सामने ये भी रहे कि आप लोगों को सुरक्षा भी दें। देखिए अपराध के बारे आप जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने अपराध के खिलाफ उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आप लोग के सामने है। अपराध देश में समाप्ति की ओर है, अपराध नहीं चलेगा, कहीं पर भी नहीं चलेगा अपराध। अपराध करने वाले व्यक्ति नहीं चल सकते हैं। अभी धनबाद में प्रिंस खान का भी मुद्दा उछला पड़ा है, तो इसको आप किस रूप में देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे? वो तो प्रशासन को हम लोग भी आग्रह किए हैं, चुनावों को भी बोले हैं, आग्रह किए कि उस पर उच्च स्तरीय विशेष रूप से जांच करें, और जो इसमें शामिल है जो इस तरह का घटना घट रहा या करवा या कर रहा है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जी, एक आखिरी सवाल था, आपका सपना था कि आप सांसद बने, तो कितना उत्साह है, कितना उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में, आपके लोगों में? देखिए सपना कोई नहीं, पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसे हम लोग निभाने का काम करते हैं। पार्टी हमको जो जिम्मेवारी देगी उस काम करेंगे। हमको आज धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी बना है, इसके लिए हम तो बोल सकते हैं कि हमारा कोई जन्म का अच्छा काम होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में बाबूलाल जी के अंदर में हम लोग काम करके देश का सेवा करेंगे। जी जी, आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।